पृथ्वी वल्लभ का मतलब होता है पृथ्वी का राजा। साधारण तौर पर ये एक टाइटल या उपाधि थी, जैसे कि राजा, महाराजा, सुल्तान, राजाधिराज आदि। पर आज हम आपको इसी पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण करने वाले एक राजा की कथा सुनाने वाले हैं, जिस पर एक फिल्म बन चुकी है और लोकप्रिय सीरियल भी आ चुकी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मिथक टीवी में। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। बात थी सन 972 की। मालवा प्रांत में मुंज नाम का राजा राज कर रहा था। इतिहास जिसे वाक्पति द्वितीय के नाम से जानता है। परमार वंश का ये राजा अपने अच्छे कामों के कारण अपने प्रजाजनों में काफी लोकप्रिय था। साथ ही अपनी सेना के दम पर उसने हुन कलाचेरी राज्य के साथ साथ गुर्जर राजाओं को भी अपनी तलवार की धार दिखा दी थी। इसी राज्य की सीमाएं पश्चिम में चालुक्य राज्य से सटी हुई थी। इस चालुक्य राज्य को इतिहास में पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है। चालुक्य राजघराना काफी प्राचीन वंश था और शुरुआत में उसकी राजधानी बादामी या आज की हम्पी। पर राष्ट्रकूट सत्ता के उदय और उत्कर्ष के साथ चालुक्य इनके अधीन चले गए। बाद में 200 साल के बाद इसी वंश के कुछ लोगों ने गुजरात में राज्य बना लिए तो कुछ लोगों ने तेलंगाना में। गुजरात में बने राज्य को पश्चिमी चालुक्य कहते थे तो तेलंगाना में बने राज्य को पूर्व चालुक्य। तब पश्चिम चालुक्य घराने का राजा था तैलब द्वितीय। परमार और चालुक्य घरानों की काफी लड़ाइयां हुई, पर पृथ्वी वल्लभ ने हर बार तैलब को पराजित किया। कहा जाता है कि पृथ्वी वल्लभ मुंज ने 16 बार तैलब को हराया था। पर फिर भी पृथ्वी वल्लभ मुंज अपने इस शत्रु को पूरी तरह से परास्त करने में या उसका राज्य हरण करने में नाकाम रहा था। दूसरी तरफ तैलब प्रतिशोध की अग्नि में तड़प रहा था। तब उसने देवगिरी के यादव राजा भिल्लम द्वितीय से गठजोड़ बना ली। उधर मुंज भी तैलब को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था और इसी कारण मुंज पहली बार गोदावरी के दक्षिण में उतरा। उसने गोदावरी नदी को पार कर दक्षिण में सेना उतारी। ये प्रदेश तैलब और भिल्लम का था तो मुंज इस प्रदेश में नया था और साथ ही उसे यादव और चालुक्य की मिलीजुली सेना का अंदाज नहीं था। गोदावरी के नीचे यानी महाराष्ट्र में हुई लड़ाई में पृथ्वी वल्लभ मुंज हार जाता है और साथ ही तैलब उससे बंदी बना लेता है। यह कहानी एक अलग मोड़ लेती है। तैलब की जोगन बहन मृणालवती, जो पहले मुंज से नफरत करती थी, उसकी खून की प्यासी थी, वो पृथ्वी वल्लभ मुंज के प्रेम में पड़ जाती है। मुंज भी अपना दिल मृणालवती को दे बैठता है। दोनों प्यार में कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उधर परमार राज्य भी अपने राजा को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वे अपने राज्य के चुनिंदा बेहतरीन योद्धा तैलब के राज्य में भेज देते हैं। वे योद्धा किसी तरह मुंज से संपर्क करते हैं और उसे छुड़ाने का एक बेहतरीन प्लान भी बनाते हैं। पर राजा मुंज प्यार में पागल हो चुका था। वो मृणालवती को अपने साथ अपने राज्य ले जाना चाहता था और इसी खातिर वह पूरी योजना अपनी सखी मृणालवती को बता देता है। यह कहानी में एक अलग मोड़ आता है। मृणालवती राजा मुंज से प्यार तो करती थी, पर उसका साथ देने के बजाय वो पूरी योजना अपने भाई तैलब को बता देती है। तैलब राज्य में घुसे बहुत से परमार योद्धाओं को खोजकर मार डालता है और राज शिष्टाचार की सारी हदें तोड़कर वो राजा मुंज से सारे शहर में भिक्षा मंगवाता है। इतना होने के बाद भी उसका मन नहीं भरता तो वो बड़ी क्रूरता पूर्वक पृथ्वी वल्लभ मुंज की हत्या करता है। पृथ्वी वल्लभ मुंज के बाद में उनका भतीजा राजा भोज परमार राज्य का राजा बनता है। भोज सर्वकालीन महान राजाओं में से एक है और उनके नाम पर ही वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनी है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। ये एपिसोड पूरी तरह इतिहास पर आधारित है। यह इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। पृथ्वी वल्लभ की कहानी को कन्हैयालाल मुंशी की किताब की वजह से जाना जाता है, पर कन्हैयालाल जी ने अपने उपन्यास में तैलब को पूर्व चालुक्य यानी तेलंगन का राजा बताया था, जबकि वे पश्चिमी चालुक्य के राजा थे। भिल्लम को तैलब का सेनापति बताया गया, पर वे देवगिरी के यादव राजा थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और आगे दी गई घंटी के चित्र पर भी जरूर क्लिक करें।